मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का उनका लगाव और उत्तराखंड के लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके साथ अपना बहुत सत्कार किसी से उनका नजदीक का जुड़ाव है और उत्तराखंड की धरती से उनका विशेष प्रेम है, इसलिए उनका आना निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए उत्साह का कारण, सब लोगों के लिए खुशी के क्षण और कहते हैं कि वो बार बार आए उत्तराखंड की धरती पर। कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है, लोकार्पण है ऑक्सीजन प्लांट का और केवल यहाँ नहीं पूरे देश भर के, कितना गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोगीवाला स्थित गंगोत्री बिहार में शहीद अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। नरेंद्रनगर विधानसभा में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ओडाड़ा में 3 ग्राम पंचायतों की विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल ने जनता के प्रस्तावों और मांगों के मुताबिक 42,75,000 के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। अच्छी बात है कि गांव के लोगों में अपने विकास के प्रति एक ललक भी है और क्योंकि ये पूरा इलाका सड़क विहीन था, विद्यालय की शिक्षा सुविधाएं नहीं थी, तो इस कॉलेज को इंटर कॉलेज करना अपने पहले ही टर्म में, उसके साथ साथ सारे इस इलाके के हर गांव को सड़क से जोड़ना, इससे लोगों में विकास के प्रति उनकी चाहत बढ़ी और आज उन्होंने जितनी मांगे रखी थी 90% मांगों को मेरे द्वारा स्वीकृत किया कर दिया गया। आज हमारे यहाँ पे 3 ग्राम सभाओं का मंत्री जी का प्रोग्राम है, तमियार मसर और ओडाड़ा का। हमने मंत्री जी को कई मांग पत्र दिए हैं, चाहे वो पेयजल से हो, सड़क की हो और कोई स्वास्थ्य केंद्र को, मंत्री जी ने उन पे तुरंत उनका निदान करने की बात कही है और तुरंत उनका हल निकालेंगे और हमारी समस्याओं का अवश्य पूरा करेंगे। हमें मंत्री जी पे पूरा विश्वास है। हरिद्वार के गुरुकुल में YM मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत हो गई। इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के द्वारा अब हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इसकी मान्यता मिल चुकी है। बॉटनी प्रोफेसर DK महेश्वरी ने बताया कि इस खास लेक्चर की शुरुआत की गई है, जिससे कि हरिद्वार के इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बॉटनी विषय की और विभाग की जानकारी मिल सके। इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने ये निश्चय किया कि इस लेक्चर को रोलिंग लेक्चर के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कराया जाए। हमारे लिए ये सौभाग्य है कि इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने इस वर्ष हमको कराने की और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय ने की। ये लेक्चर वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में सर्व विदित है और सर्वश्रेष्ठ है। मसूरी वन प्रभाग की जौनपुर रेंज के अंतर्गत वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह पर वन विभाग और राजकीय इंटर कॉलेज बुरासखंडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओपन कला चित्र और निबंध प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का संचालन जौनपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार राणा के द्वारा की गई। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य KK राणा के नेतृत्व में जूनियर सीनियर और सामान्य वर्गों में आयोजन किया गया। काशीपुर में वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान वन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर विभाग ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही आम जनता को भी जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही 13,000 इको क्लब से जुड़े छात्र छात्राओं को वन और वन्यजीव संरक्षण की मुहिम से जोड़ा गया। 1 अक्टूबर से शुरू हुए वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान वन विभाग प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो जल जंगल और जमीन के साथ ही हमारे वन्य जीवों को बचाने की एक मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जाती है, तो हम प्रतिवर्ष इसमें हम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, वन और वनों के साथ में वनों में रहने वाले जो हमारे जो है वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा की जाए। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है
प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल, 2022 का विधानसभा चुनाव, सिर्फ संवाद 365 पर।